को सदमा लग गया है। सदमा? किस तरह का सदमा? खाने पीने की चीजों की कमी नहीं, खेलने कूदने की भी सब चीजें हैं। एक बड़ा सा बंगला, 3-3 गाड़ियाँ और एक फैक्ट्री भी है, फिर किस तरह का सदमा? कोई दवाई प्रिस्क्राइब कीजिए डॉक्टर। बिहार का मरहम, आपका समय अपने बच्चे के साथ, मीठी जुबान और थोड़ी सी समझ, बस यही मैं प्रिस्क्राइब करूँगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। अक्सर माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद में खामियां रह जाती है, कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। राहुल, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मानता हूँ दादाजी, आई एम वेरी सॉरी। माता गंगे, कुछ और बताइए ना। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा वैसे जानते हो, मेरी मुंह बोली बहन यमुना, वह भी गवाह है कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं की। अच्छा, किस तरह की? हाँ, the rise and fall of the Delhi Sultanate, the rulers who patronage arts and literature, poets like Amir Khusro, who made a remarkable contribution into it, the reign of the most successful Mughal emperor Akbar, whose name is engraved in the history for promoting art, culture and religious tolerances. Come on, let me take you to the court of Akbar with his 9 extraordinary people, the 9 gems, Navratna. जी।
thought last night that tormented my heart. What was that, Majesty? What was that? I was worried. How could I distinguish truth and falsehood? सच्चाई और झूठ में फर्क सच सच होता है झूठ झूठी होता है जाको ना अरे कोई तो समझाओ सच और झूठ में फर्क क्या है वो भी सिर्फ तीन अक्षरों में तीन अक्षरों में कैसे जापना असंभव जापना असंभव सब चुप क्यों हो गए बीरबल तुम्हारे पास हर प्रश्न का उत्तर होता है फिर आज तुम चुप क्यों खड़े हो चार उंगली सम्राट ये क्या कह रहा हो बीरबल जो हम आंखों से देखते हैं वही सच है जो हम कानों से सुनते हैं वह झूठ है तो चार उंगली का मतलब जहाँ पना हमारे कानों और आंखों की दूरी सिर्फ चार उंगलियों की चौड़ाई ही है अरे वाह बीरबल क्या उत्तर दिया है बातों में कितनी सच्चाई और फरेब होता है अगर किसी को खुश करना हो तो चापलूसी करने लगते हैं और अगर नफरत हो तो सच को तोड़ मरोड़ कर झूठ से ढक देते हैं कितनी बार लोग सच्चाई जाने बिना अफवाह फैलाकर दूसरों की प्रतिछाया को खराब कर देते हैं कभी कभी लोग सच्चाई जाने बिना किसी भी नतीजे पर पहुंच जाते हैं सही कहा आपने पर आखिर में जीत तो सिर्फ सच्चाई की होती है अरे आप लोग क्या कर रहे हो अभी तक तैयार नहीं हुए मिश्रा जी के घर जाना है आज रात उनके घर प्री वेडिंग पार्टी रखी है मैंने कहा था ना आपको फोन किया था फोन का रिप्लाई नहीं है मैंने सोचा नहीं जाने वाले चुप बहस मत करो जल्दी से तैयार हो जाओ नहीं नहीं एक आइडिया है कैब बुक कर देता हूँ जल्दी पहुँच जाएंगे पधारो मारे देश केसरिया बालम आवो ने पधारो ने पधारो ने मारे दे
जाएगा जब मृत्यु अपने ससुराल चली जाएगी। सोच कर ही दिल टूटने लगता है। जब मैं घर आता हूँ दौड़ कर एक ग्लास पानी ले आती है। उसके पायल की छम छम मेरे कानों में गूंज रही है। उसके खिलखिलाने की आवाज हमारे घर की रौनक बढ़ाती है। मुझे अभी भी याद है जब वो छोटी थी तो अपने माँ के शादी के गहने पहनकर कितना इतराती थी। एक बार भी मुझसे दूर नहीं हुई और कल हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। सही कहा मिश्रा, बेटी है तो पराया तो नहीं होती। नहीं नहीं, वो मेरी बेटी नहीं, वो मेरा बेटा था। कभी कमजोर नहीं समझा, उड़ने दिया उसे खुले आसमान में, बहने दिया अपनी सपनों की खोज में। हमारी बेटियां सुरक्षित है? क्यों नहीं, यदि हमारे बर्ताव में एक दूसरे का सम्मान हो और जिस तरह लड़कियों को कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, उस तरह लड़कों को भी सिखाओ, बताओ कि वे लड़कियों से किस तरह बर्ताव करें। सही कहा आपने, मुझे याद है महाराष्ट्र में शिवाजी के शासन के दौरान स्त्रियां काफी ज्यादा सुरक्षित हुआ करती थी। उनका अपमान करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। छत्रपति शिवाजी के बारे में जितना भी कहो कम ही लगता है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है शिवाजी ने पहला नेवल फोर्स तैयार किया था ताकि कोई समुद्री मार्ग से उनके राज्य पर हमला ना कर सके। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। अब जब हम महाराष्ट्र की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसके समुद्री तट पर बसने वाले कोली समूह के नृत्य का आनंद उठाया जाए। हाँ, क्यों नहीं। Thank you.
मजा आ गया है ना? कहाँ देखने को मिलेगा इतना जोश, इतना सुंदर नृत्य और हाव भाव। क्यों नहीं, हम गूगल पे जो चाहे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं और तो और सुन भी सकते हैं। ओह, इज इट? व्हाट अ सरप्राइज! तो उसमें मेरे बारे में भी कुछ लिखा ही होगा, है ना? हाँ, दिस आर द वंडर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डाउनलोड द एप्स एंड गेट योर वर्क डन इन सेकेंड्स। अरे, क्या बात कर रहे हो? एनीवेज, मैंने सुन लिया। अरे, ऐप से सारे काम हो जाते हैं। चैटिंग, बुकिंग, शॉपिंग, पैकिंग। घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट, ऑनलाइन सर्विसेज हैव मेड एवरीथिंग सिंपलर एंड फास्टर। जो मांगोगे उसके बारे में सब कुछ मिलेगा। अच्छा, सब कुछ? सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। Does it sell love? Does it sell bonding? Oh, what do you mean? टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे को जोड़ा है, संबंधों का एहसास दिया है, पर क्या एक प्यार भरी स्पर्श की अनुभूति दी है कभी? हमारे बिजी शेड्यूल में भी हम समय निकालकर फेसबुक से चैटिंग करते हैं, पर क्या कभी नजदीकी महसूस करते हैं फेस टू फेस? क्या इंस्टाग्राम और ट्विटर में ही हमारी सोच, हमारा प्यार और आपसी संबंध सिमट कर रह गए? घर से बाहर हम जब निकलते हैं तब दुकानदार से, सब्जी वाले से, वॉक पर जाने वाले लोगों के साथ हमारा एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता है। अ रिलेशनशिप ओवरफ्लोइंग विथ लव, केयर एंड डीप बॉन्डिंग। कैन यू गेट दिस ऑनलाइन? Better.
If you care enough for the living, make it better place for you and for me. Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them, that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like. That was Let Me Flow. May I request Mr. Prateek to express vote of thanks. It's a privilege and a great joy for me to extend my gratitude to all those who have contributed in one or the other way to make this program a great success. On behalf of Tripta Parivar, I would like to extend my sincere gratitude to Dr. Suvarna Rawat ji, alumnus National School of Drama, New Delhi, HOD of Performing Arts, who guided and encouraged our students in providing a stimulating environment in theatre in education. My hearty thanks to Sri K.B. Sathwara Dada, Trustee of Tripada Education Trust, and Ms. K.L. Bhatt Madam, Chairperson and Co-Founder Trustee of Tripada Education Trust, for being our motivation. I would like to thank Mr. Hasmukh Hingu, our chief guest, for gracing the occasion by his presence. My special thanks to Mr. Archit Bhatt, the Managing Director of Tripada Education Trust, who has been the driving force behind the whole process. His vision and leadership has once again culminated in another success story. I would like to thank Ms. Jyoti Bhatt, the Director of Finance and Future Project, and Ms. Pratiksha Parikh, the Academic Director of Tripada Education Trust, for her consistent guidance for the entire event. Very special thanks to the Sarpanch Shri of Agraj Village, Shri Lalji Sambhaji Bhai Thakur, for his presence. Esteemed parents, you have stood up by us at all the moments. Your support and presence made this evening memorable. My sincere thanks to THS Principal Ms. Nimesha Sathwara and her team, Mr. Rakesh Patel, TIS and TDS Coordinator and of High School Section, Ms. Kavita Pandya, Primary Section Coordinator of TDS, Ms. Anita Gangwani, KG Section Coordinator of TDS and their team, Ms. Annie Vargas, Academic Coordinator of CIE Section, Ms. Ushma Vahiya, KG Section Coordinator of TIS, Ms. Sanu, the Project Head, Ms. Sunita Tuli, the Admin Head. A very special thanks to Mr. Mehul for designing and creating the wonderful backdrop and stage. Special thanks to Hardik Sir also, Mr. Parents, atla program ni pehli vakhat me aavu joyu ke jeni andar mare announce karvu pade. This is not correct. We are still, the program is on. He is thanking you all. Please. Samaj ni asaunista je apne dekhaiye je ni. This is the result. Please. My request hai. He is thanking you all. What are we teaching our students? Tamne badda photograph apne online mukhi. Please. Bad online mar se gadget super. Aji to apne program ma aji Tripada anthem baki che, he is thanking you, and half the way, please. A very special thanks to Mr. Amit, Mr. Jaimin, Mr. Usha, Mr. Hasumati, and their music team, Ms. Ritika, Ms. Hinali, Ms. Payal Panchal, Pankti, Ms. Nandini, Payal, and their dancing group. Special thanks to Scout and Guide in charge, Ms. Purvi Rajaguru, and her volunteers. Discipline in charge, Mr. Arvind Kapadia and Mr. Leo D'Souza and their volunteers. I also wish to express my gratitude to Transport Department, Kitchen Department, Non-Teaching Staff, TMPL, Technical Staff, my team of TIS teachers and participants. Once again, thanking you all. Awe, hakikat ma jo program gamyo hoy, to potani jagya upar e logone standing ovation apne aapiye. That's it. Everything has its own way of giving the best to the child. I liked it. Mitro, aa chokrao je ahiya ubha chhe ne, tamara gadget ma thi je photo aave ane ahiya agar je photo padi raha chhe,
એ બધા ઇન્ટરનેટ ઉપર અમે મૂકીશું. સો પ્લીઝ એન્જોય ધ મુમેન્ટ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ વોન્ટ ટુ કેપ્ચર ધેમ ઇમિડિયેટલી એન્ડ પોસ્ટ ઇટ અપ, બટ દિસ ઇઝ ધ મોમેન્ટ યુ હેવ ટુ લુક એટ ધેમ ઓન ધ સ્ટેજ. આ પછી નહીં આવે, હમણાં જ આપણે વાત કરીને વી હેવ ટુ શેર ધીસ મુમેન્ટ. લેટ્સ ઓલ જોઈન ફોર ત્રિપદા એન્થમ. પ્લીઝ ત્રિપદા એન્થમ વગાડશો અને એના પછી તમે પાછા તમારી જગ્યા ઉપર બેસી જશો. બાળકોને નાસ્તો કરવાનો બાકી હશે અમુક, એટલે એનાઉન્સ કરીશું એ પ્રમાણે તમે તમારા બાળકને લેવા જશો. પ્લીઝ અમારી વિનંતી છે, તો ફાસ્ટ આપણે બાળકો મેળવી શકીશું. આપની જગ્યા ઉપર બેસી જાઓ અને પરિવારના એક સદસ્યને જો ફોટો અત્યારે લેવો હોય તો યુ કેન, પણ છોકરાઓને જમવાનું બાકી છે, સો વન બાય વન વિલ ટેક ધેમ. ટિલ ધેટ ટાઈમ વિલ એન્જોય ધ સ્ટેજ. આ જે છોકરાઓ છે ને જે સ્ટેજ ઉપર, એ પણ આપણા બાળકો જ છે. એ લોકો થોડું ઘણું કંઈક સોંગ ગાશે અને ત્યાં સુધીમાં જે છોકરાઓને જમવાનું બાકી છે એ જમી લે. સો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ પ્લીઝ સીટ ફોર 5-10 મિનિટ્સ અને પછી એનાઉન્સ કરશે અરવિંદ સર, એ પ્રમાણે આપને બાળકો મળશે. થેન્ક યુ. પેરેન્ટ્સ 10 મિનિટ થશે, પ્લીઝ બેસતા બેસી જજો. બાળકો હમણાં નહીં મળે, પ્લીઝ કહેવો ત્યાં પાછળ જઈને કરતા નહીં. બધા પેરેન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ છે, અહીંયાથી મ્યુઝિક ચાલુ રહેશે, પ્લીઝ એન્જોય મ્યુઝિક. Sit for 10 minutes, wait for 10 minutes, please. Teachers, all the teachers, 5th A, 5th B or 6th A, 6th B, 6th C, ke bachcho ko green room ke bahar bithaya hua hai maine. Sabhi teachers 5th A, 5th B ke turant ready ho jao.